उस गांव में सरपंच महिंद्रा की ही बात चलती है। उसकी बात के आगे कुछ भी कहने की कोई हिम्मत ही नहीं करते हैं। ऐसे कहकर महिंद्रा कोई बुरा इंसान नहीं है, वो बस अपनी इज्जत के लिए मरने वाला है। पिताजी, मैं गांव में जा रहा हूँ, कोई काम हो तो फोन कर लीजिए, मैं आ जाऊंगा। तुम हर रोज इस वक्त गांव में क्या करने जाते हो? जो भी हो, मेरे नाम पर दाग लगाने की कोशिश मत करना। महेंद्र का बेटा राहुल गांव के एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ा रही मीना को देखने के लिए जाता है। मीना बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मीना को मीना की तरह ही लड़कियां पसंद है, इसलिए वो कभी भी राहुल पर ध्यान नहीं देती है। कैसे हो टीचर जी, बच्चे परेशान तो नहीं कर रहे हैं ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे स्कूल के बच्चे बहुत समझदार हैं। ये बात तो आप अच्छे से जानते हो, हर रोज सिर्फ इसी तरह की बातें होती है। वो देख देख कर एक दिन महेंद्रा सीधे मीना के घर जाकर उसके पिता से मीना और राहुल की शादी की बात करता है। इससे पहले कि ये बात गांव के बाकी लोगों को पता चले, हमें दोनों बच्चों की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मजनू बनकर गांव में घूमे। आप हमारे घर आए हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है सरपंच जी। बेटियां वापस आते ही मैं उससे शादी के बात करता हूँ, आप निश्चित रहिए। ऐसे कहते हुए मीना के पिता मीना वापस आते ही उसे शादी वाली सारी बात बता देते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन मीना बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे कोई और पसंद है। मुझसे पूछे बिना आपने जवाब कैसे दे दिया पिताजी? मुझे कोई और पसंद है और यहाँ से बहुत दूर बांग्लादेश में रहती है। रहती है से क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मीना कहती है कि वो एक लड़की से प्यार करती है जो बांग्लादेश में रहती है। मीना और वो लड़की प्रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। वो बात सुनकर मीना के पिता को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और गुस्सा भी उतना ही आता है। तुम्हारा दिमाग तो टिकाने पर है ना मीना? ये कैसे बेशर्म वाली बातें कर रही हो तुम? अगर मुझे जिंदा देखना चाहती तो मेरी बात मानो। मीना के पिता उसे ऐसे जबरदस्ती शादी करने को मजबूर करते हैं, लेकिन मीना अपने पिता की किसी भी बात से नहीं डरती है और प्रिया को कॉल करके ऐसे कहती है। हाँ, ये लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ प्रिया? तुम बस शादी को रोक कर रखी मेरे आने तक, बाकी सब मैं देख लूंगी। ऐसे कहते हुए प्रिया बांग्लादेश से मीना के गांव के लिए निकल जाती है। यहाँ पर महेंद्रा और मीना के पिता शादी की सारी तैयारियाँ कर देते हैं। राहुल की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसने एक बार भी मीना की मर्जी के बारे में पूछने की कोशिश नहीं की थी। राहुल शादी करने के लिए मंडप में मीना का इंतजार करता है, लेकिन मीना और प्रिया बाहर शादी करके राहुल के मंडप के पास आते हैं। ये क्या बेहुड़ा हरकत है? तुम लोग हमारे घर की इज्जत निकालने के चक्कर में थे? बेहुदा हरकत तो आप सब कर रहे हैं, मिस्टर बड़े इंसान। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर रहे थे, शर्म आनी चाहिए आप सबको। ऐसे न्यायी के बात करने पर किसी के पास भी कहने को कुछ नहीं होता है और सब चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। उसके बाद
मीना और प्रिया एक कुश दंपति की तरह वहाँ से चले जाते हैं। पायल को अपने कॉलेज के आखिरी दिनों में पता चलता है कि उसे लड़कियाँ पसंद है। यही बात पायल अपने घर वालों से भी बता देती है। तब उसके माँ बाप, ये कैसे अजीब से शौक है तेरी? अगर घर के बाहर ये बात किसी और को पता चलेगी तो क्या होगा जानती भी हो? एक झटके में इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। माँ का कहने का तरीका गलत है, लेकिन माँ सच कह रही है बेटा, इसीलिए ऐसी अजीब सी कायालों के बारे में सोचना बंद कर दो। मैं किसी अच्छे लड़के से तुम्हारा शादी करवा दूंगा। ऐसे कहते हुए पायल के पिता उसे अच्छे से समझाकर उसकी शादी गौतम नाम के एक भले इंसान से करवा देते हैं। पायल अपने पिता की इज्जत करती थी, इसलिए अपने पिता की बात मानकर शादी कर लेती है। शादी के बाद पायल और गौतम खुश तो रहते हैं, लेकिन गौतम को ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी दिल से खुश नहीं है। इसलिए एक दिन समय निकालकर ऐसे बात पूछता है, पायल, तुम सच में इस घर में खुश हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जबरदस्ती अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश कर रही हो? अगर कोई बात हो तो बता दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा साथ ही दूंगा। गौतम की बात सुनकर पायल बहुत खुश होती है और अपने बारे में बताने ही वाली होती है। फिर उसे अपने पिता का ख्याल आता है, इसलिए ऐसे कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी उस बात को वहीं पर खत्म कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद गौतम की माँ को बाजार में पायल के किसी दोस्त से इस बात का पता चलता है। हाँ आंटी जी, हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, उसकी शादी आपके बेटे से कैसे हो गई? ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है। उसकी बात सुनकर गौतम की माँ घर लौटने के बाद पायल से वही बात पूछती है जो बात उसके दोस्त ने बताई थी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो, वो भी अपनी बाहू के बारे में? सासू माँ बिल्कुल ठीक कह रही है गौतम, मैं ऐसी ही हूँ, इसलिए तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ। वो बात सुनकर गौतम की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और पायल को घर से बाहर निकलने को कहती है। गौतम अपनी माँ को शोर मचाने से रोकता है और पायल से पूछता है कि ऐसी बात थी तो उसने उससे शादी क्यों की? तब पायल अपने पिता के बारे में बताती है। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, तुम जो हो और तुम्हारी जो पसंद है उसमें कोई गलत बात नहीं है। तुम यहाँ पर जब तक चाहे तब तक रह सकती हो, तुम्हें तुम्हारी साथी मिलने तक। गौतम ऐसे कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर गौतम की बहन आरती आती है और ऐसे कहती है, पायल को इंतजार करने की जरूरत नहीं है भैया, मुझे पायल पसंद है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं पायल को शादी के लिए पूछना चाहती हूँ। वो बात सुनकर गौतम की माँ को चक्कर आने लगते हैं और वो खुद को संभाल नहीं पाती है। गौतम पायल और उसकी बहन को वहाँ से जाने को कहता है और जब सब लोग मान जाएंगे तभी लौटकर आने को कहता है। तुम दोनों यहाँ की फिकर मत करो, मैं माँ को सब संभाल लूंगा। ऐसे कहते हुए गौतम उन दोनों को भेज देता है और हर रोज अपनी माँ को समझाता है कि आरती और पायल के
एक दूसरे से प्यार करने में कोई गलत बात नहीं है। और एक दिन गौतम की माँ उस बात को मान ही जाती है। उसके बाद दोनों परिवार के सभी सदस्य मिलकर पायल और आरती की शादी करवाते हैं।